हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेसिपी 143। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मेरे साथ है आरती दी, जिनको आप जानते होंगे हेयर स्टाइल के हेयर स्टाइल मतलब बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और मैं इनसे 3 दिन पहले मिल चुकी हूँ, इनके यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। और आपको ब्लॉग तो मिल ही जाएगा, और इनके चैनल में भी इनका ब्लॉग आने वाला है, मेरे चैनल में मेरा ब्लॉग आने वाला, ज़्यादा नहीं तो एक दो मिल ही जाएगी ब्लॉग। सो मुझे इनके घर में बहुत मज़ा आ रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं बोल रही थी मुझे प्लीज़ सरोजिनी नगर लेके चलिए, वहाँ मुझे देखना है कि कितने कम प्राइस में क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग में देखा है कि 50 रुपए की ये मिल रही है, 20 रुपए की ये मिल रही है, ऐसा मैं ब्लॉग 50 रुपए बोला था, 50 रुपए मैंने कहा 50 रुपए में तो मैंने भी नहीं लिया। हाँ, चीजें सस्ती मिलती है वहाँ पे, बहुत अच्छी भी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती है, और आपके बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली बहुत सारी चीजें ले सकते हो। तो मैंने इनको दे दिया चैलेंज, ठीक है आप देखती हूँ मैं 50 रुपए में, आप लेके तो दिखाओ मुझे। हाँ, तो जो दी चैलेंज कर रही है मुझे किस रिलेटेड, वो इनके ब्लॉग में आपको पता चलेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी। सो और मेरे चैनल में आपको ये मिलेगा कि मैं वहां पे कि वहां पे मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, क्या ले रही हूँ, वो सब मैं दिखाऊंगी, ट्रायल दूंगी, सब कुछ दूंगी। सो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अब हम लोग मिलते हैं, बहुत एंजॉय करने, बस मॉर्निंग का इंतजार कर रहे हैं जल्दी फटाफट। और हमें तो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वैसे तो इंतजार ही नहीं हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंडी होती है और हम लोग को उठने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 10 बज गया है, बिकॉज हम लोग बहुत रात से सोए थे, रात को बहुत लेट आए थे हम लोग डिनर वगैरह करके, तो यहाँ तो बहुत मजा आ रहा। और दी लोग भी उठ चुकी है, मैं भी चलती हूँ दी के पास। सो देखते दी क्या कर रही है, बच्चे लोग भी स्कूल वगैरह सब चले गए हैं। ये रही दी, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग दी, भी उठ चुकी है, अभी नाश्ते की तैयारी कर रही है, इसके बाद हम लोग एक एक करके नहाएंगे। आज दी मेरा हेयर वॉश करेगी, वो भी हो सके तो थोड़ा व्लॉग क्लिप दिखा देंगे, और उसके बाद हम लोग चलते हैं नाश्ता करके सरोजिनी नगर, गुन्नू को लेके हम लोग जाएंगे और दोनों बच्चे को घर पे ही छोड़ के जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये दी भी व्लॉग शूट कर रही है और मैं भी कर रही हूँ, तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं? तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। सो गाइस फाइनली वी आर इन सरोजिनी नगर, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी कितनी धीरे धीरे चल रही है, और आप लोग अगर जूम करें तो बहुत कोई पन्नी भर भर के सामान भी लेके आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सरोजिनी नगर। तो ये एंट्री हो चुकी है इनकी सरोजिनी नगर मार्केट में, और 50 कितने की है, कितने की है? 50 के मैडम, 50 ओनली 50। मेरे पास सही था ना, 50 50। ऐसे आप पहन लोगे आप कपड़े? नहीं भाई, नहीं ना, चाहिए 50 ही कपड़े? नहीं चाहिए तो इनको नहीं चाहिए 50 वाले कपड़े, तो देखते हैं हो सकता है अंदर अंदर। अभी तो शुरुआत ही है सरोजिनी नगर, ये नहीं है मेन सरोजिनी, ये नहीं है, ये पटरी है, इसको पटरी बोलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ मार्केट इंटर कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रश था, बिकॉज जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम न्यू ईयर था और क्रिसमस का टाइम था, मीन्स हम लोग 25th को गए थे, तो इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था। दीवी बोल रही थी कि तुम्हारे साथ हम आए तो इतना ज़्यादा भीड़ है, और मुझे शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये चप्पल तो मुझे पसंद है तो, पर भैया बोले कि आगे चलो आगे शायद और भी सस्ता हो सकता है, इसलिए मैंने ये चप्पल को छोड़ दिया और फिर हम लोग आगे निकल गए। सोचे कि यहाँ पे कपड़े कम और लोग ज्यादा दिख रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट है, उधर से चले चलते हैं, कोट का पूछते हैं कितना है, कोट पूछोगे? अब सुनो ना, कोट अंदर स्टार्टिंग है ना, तो अंदर ज़्यादा अच्छा। कम में लगाना होगा ना भैया, आप एक बार बुलाए आ गया ना, एक बार हम तो सबको बुलाता रहता हूँ मैडम, कोई आता है नहीं आता है ना, हम लोग अच्छा है मैडम, सब लोग अच्छे हैं। आप भी
जवाब दे रहे 200 रुपए 200,000 में 100 रुपए का इन्होंने तो वो नजरबंदी ले लिया। और अब ये देखो इतना प्यारा सा टॉप पसंद किया है, कितना में दोगे भैया बताओ? 200-200 मैडम, 200-200 नहीं, भी दिखा देना जींस भी भैया 100 में दो। अंदर देख लो एक बार, आप जल्दी से नजर मार लो, हमारे इलाके इनका भी ले लेना। नेटो भी आपके लिए दे रहा हूँ, नहीं तो कम करते नहीं है, वो भी आपके लिए 400। दूर से आपको पता है ये बिहार का है? 400-350 क्या भैया? तो इतना सारा ले रहे, कुछ 1500 में चले। इतना सारा क्या, यहाँ 50-50 पीस ले जाता है। नहीं नहीं, अच्छा चलिए लास्ट 1500 तो आप बोल ही रहे हो, क्या 1500 इसमें कम नहीं, कम नहीं होता है? आप बोले 1600, हम बोले 1500 है, कम नहीं होता है इसमें भैया? 1500 नहीं मैडम जी। अच्छा कितना देना होगा हमें? अच्छा और कितना देना है, और कितना देना होगा? 1500-1600 इससे एक भी पैसा नहीं ज्यादा। ठीक है, इतना सारा ले रहे फिर भी इतना में नहीं मान क्या? 1600 तो बोल दिए भैया, अभी हो रहा बार्गेनिंग। कम करिए, इतना सारा ले रहे हम लोग। देखिए आप ब्लॉग में आइएगा, ये तो सबको क्या बोलेगा, ठीक है लेने आएंगे सब आपके पास। कम करिए आप, ठीक है कम करिए, चलिए कम करिए। हम बहुत दूर से आए ना, पहली बार आए मैम। नहीं चाहिए, थैंक यू नो। ये रहे जो कि पूरी तरह से थक चुके हैं बेचारे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं घर चलो घर चलो घर चलो। और हमारी बैग देखिए उनके पास, इनके और पास मेरे पास भी, और एक एक अंदर तो वो शॉपिंग चल रहा है, शॉपिंग चल रही है। भैया की कहाँ गए भैया, खो गए? तो फाइनली हमारे पास 100 रुपीज़ बची थी, और हमने 100 रुपीज़ की एक ब्लैक वाली ये ले ली है, और ये भैया मान नहीं रहे, जब भी आप अच्छा बोल रहे हैं ये भैया। कब निकल पाऊंगा? सो रहे आप तो कम कर लीजिए, इन्होंने बोला कि 100 रुपए कम कर दो, ठीक है बस 100 रुपए की दे दो। इन्होंने हमें इतना बड़ा डेफिनेशन बार्गेन कितने गन्ने हैं, कितना गन्ने हैं भैया, प्लीज लीजिए ना, तो फिर हम लोग खुले ले जाएं। फाइनली हमें 100 रुपए में टी शर्ट मिल गई। भैया भैया कहाँ गए? 100 रुपए में मिल गया दुकान में, 200 रुपए पूरी दुकान में। सो गाइस फाइनली हमने शॉपिंग कंप्लीट कर लिया, और हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज हम लोग को और भी बहुत सारी जगह जानी है, और हम सबके बैग में इतने 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 प्लास्टिक मतलब पन्नी भर चुकी है। 1000 रुपए में हमने इतनी शॉपिंग करी होगी? नहीं वो 1000 की तो एक दूसरी है, वो तो दूसरी ब्लॉग बनेगी, और भी बहुत सारा शॉपिंग किया बिकॉज मैं आती नहीं हूँ उतना इस वजह से। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके, इतने थोड़ी सी बैग, थोड़ी सी इमली जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, खट्टी मीठी। तो जो अब हमने सामान लिया था वो अब लास्ट में हम लोग डिक्की में डाल रहे हैं, बहुत सारा सामान हमने खरीद लिया है। इधर देखिए बाबू, मेरे हाथ की हालत देखिए कैसा हो गया, इधर आगे दिखाइए झुक करके, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी मेहनत करी है मैंने, पूरा रेड हो गया हाथ। बहुत ज्यादा शॉपिंग किया, लगभग 10-15 हज़ार चला गया लगता है, वो आप लोग को दिखाएंगे ना दी ओपनिंग करके कितना हुआ। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके, और सच में बहुत कम कम प्राइस में भी मिलते हैं। अगर आप लोग इस ब्लॉग में हम लोग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा तो हम लोग और जो हमने क्या क्या शॉपिंग किया वो आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, अगर आप को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने। बट इस ब्लॉग को आप लोग को ढेर सारा प्यार देना होगा, तभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग दिखाएंगे।